सबने ये ठाना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक भैया को इस बार जिताना है। नौजवान साथियों, सम्मानीय बुजुर्गों, मातृशक्ति हमारी माता बहन बेटियां, मैं समर चेतन संदेश वाहक के तौर पर आप लोगों के जनप्रिय कर्मठ जुझारू ईमानदार उम्मीदवार अशोक रावत जी के बारे में आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूं। जो अशोक रावत जी वार्ड नंबर 30 जनपद आगरा जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, आप लोगों के मध्य में जो रावत जी जो हैं वो स्वर्गीय श्री जगन प्रसाद रावत स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परिवार से हैं। इस परिवार ने वार्ड नंबर 30 की जनता की सेवा बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से की है। HSB इंटर कॉलेज कागरौल की तरफ से अशोक रावत जी आप लोगों के मध्य में हैं, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ओ सुन मेरे भैया सबने ये ठाना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। अशोक रावत जी युवा है, अभी तो उम्र के पड़ाव पर है, जिन्होंने जनहित के लिए अपने जीवन को समर्पण किया है। कैसे हैं अशोक रावत जी? बेटा प्रदीप, सबके जाने माने, सबको ये पहचाने, जन जन को ये जाने, जन जन इनको जाने। सबके जाने माने, सबको ये पहचाने, जन जन को ये जाने, जन जन इनको जाने। माना सबको अपना, ए प्रदीप, माना सबको अपना, सबने माना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। ओ सुन मेरी बहना सबने ये ठाना है, अशोक भैया को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। वार्ड नंबर 30 की जनता से मेरा करवट निवेदन है, अशोक रावत जी जो आप लोगों के बहुत ही प्यारे दुलारे, जन जन के हितकारी, आप सभी के बुहारी, बहुत ही कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी हैं। और बताएं, अब चुनाव आ गया, तारीख भी पक्की हो गई, 15 अप्रैल को वोट पड़ने, लेकिन ध्यान रखना भैया,
अभी तो नेताओं की बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ऐसे नेता आएंगे भाइयों, ए साथियों, जैसे बारिश होती है अषाढ़ के महीना में लला प्रदीप, तालाब के किनारे में छोटे छोटे बड़े बड़े ढेंपू निकल आते हैं। अबे जी बीमारी चल रही, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई गाँव ने नहीं लड़ी, लेकिन अब बाढ़ आ जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं आगाह कर रहा हूँ आपको, जाने कितने आए बातें भी गिनवाए, जब जीत गए बेना बोलो जी नहीं आए। अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। ओ सुन मेरी बहना, ये सबने ठाना है, अशोक भैया को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। और मेरे शब्दों पे ध्यान देना, ओ क्षेत्र की माता बहन बेटियों बुजुर्गो, ए युवा साथियों, अशोक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, अशोक भैया जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। ओ सुन मेरी बहना, सबने ये ठाना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। और बताएं, अबे तक कोई नेता नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा करे, अब तो ये भैया सेवकों की बाढ़ लग जाएगी घर घर द्वार पर। अबे तक अशोक रावत जी थे, अब जान कितने भैरू की आ जाएंगे। मगर वार्ड नंबर 30 की जनता से निवेदन है भाइयों, आप लोग बहकावे में आना और बताएं, जो कभी नजर आए वो आएंगे समझाने, समझाने। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, मैं समर चेतन आधार टीवी स्टूडियो के द्वारा आप लोगों को संदेश महक के तौर पर समझाने जा रहा हूं। ए भैया, बातों में बहलाने कहीं आएंगे फुसलाने, जो कभी नजर आए वो आएंगे समझाने।
अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक भैया को इस बार जिताना है। ओ सुन मेरी बहना, सबने ये ठाना है, अशोक रावत जी इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। और ध्यान देना भाइयों, आप लोगों से मैं अपील करता हूं, मत से मत को देना, बूटी से काम लेना, ले बोटन जो लौटे उसको न वोट देना। हाँ भाइयों, मैं प्यारी जनता से निवेदन करने आया हूं जानू महाराज, मत से मत को देना, बूटी से काम लेना, ले बोटन जो लौटे उसको न वोट देना। अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। ओ सुन मेरी बहना, सबने ये ठाना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है, अशोक रावत को इस बार जिताना है। हाँ, अशोक रावत को इस बार जिताना है। अशोक रावत जिंदाबाद, अशोक रावत जिंदाबाद, अशोक भैया जिंदाबाद।